आज हम ऐसे मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जिसका निर्माण किसने किया और यह कब बनाया गया, इसकी जानकारी आज तक किसी को नहीं हो पाई है। जिस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा, कई विदेशी ताकतों ने इस मंदिर को जड़ से उखाड़ फेंकने की नाकाम कोशिश की, कई बार इस मंदिर की संपत्ति को लूटा गया। आज हम आपको भारत के इतिहास के सबसे रहस्यमय, अद्भुत और आश्चर्यजनक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे इतिहास के बारे में हर भारतवासी को जरूर जानना चाहिए। हम बात कर रहे हैं भारत के सुप्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का प्राकृतिक चिन्हन, मानो जैसे स्वयं ही महादेव वहां विराजमान हो। ऐसी ही एक भव्य मंदिर सोमनाथ, जो हमारे भारत के गुजरात के पश्चिम तट पर सौराष्ट्र में स्थित है। सोमनाथ मंदिर भी प्रकृति का एक खूबसूरत हिस्सा दिखाई देता है। सोमनाथ मंदिर की भी अपनी कई विशेषता है, तो आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में कुछ रोचक तथ्य। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि सोमनाथ मंदिर में स्थित शिवलिंग में रेडियोधर्मी गुण है, जो जमीन के ऊपर संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। इस मंदिर के निर्माण में कम से कम 5 वर्ष लग गए थे। सोमनाथ मंदिर के शिखर की ऊंचाई 105 फीट है और मंदिर के अंदर गर्भगृह, सभा मंडप और नृत्य मंडप भी बना हुआ है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था, इतिहास की एक प्रचलित घटना है। इसके बाद मंदिर का नाम पूरी दुनिया में विख्यात हो गया। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे एक स्तंभ है, जिसे बाण स्तंभ के नाम से जाना जाता है। इसके ऊपर तीर रखा गया है, जो यह दर्शाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच पृथ्वी का कोई भाग नहीं है। यहाँ 3 नदियों का संगम भी होता है, हिरण, कपिला और सरस्वती, और इस त्रिवेणी में लोग स्नान करने आते हैं। मंदिर नगर के 10 किलोमीटर में फैला है और इसमें 42 मंदिर है। सोमनाथ मंदिर को शुरुआत में प्रभा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था। माना जाता है कि आगरा में रखे देव द्वार सोमनाथ मंदिर के ही है, जिन्हें महमूद गजनवी अपने साथ लूट कर ले गया था। मंदिर के शिखर पर स्थित कलश का वजन कम से कम 10 टन है और इसकी ध्वजा 27 फीट ऊंची है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में से पहला ज्योतिर्लिंग है। इसकी स्थापना के बाद अगला ज्योतिर्लिंग वाराणसी, रामेश्वरम और द्वारका में स्थापित किया गया था। इस कारण शिव भक्तों के लिए यह एक महान हिंदू मंदिर माना जाता है। सोमनाथ मंदिर से जुड़ी एक रोचक और निराली कहानी है। कहा जाता है कि किंवदंतियों के अनुसार सोम या चंद्र ने राजा दक्ष की 27 पुत्रियों के साथ अपना विवाह रचाया था, लेकिन वह सिर्फ अपनी एक ही पत्नी को सबसे ज्यादा प्यार करते थे। अपनी अन्य पुत्रियों के साथ यह अन्याय होते देख राजा दक्ष ने उन्हें अभिशाप दिया कि आज से तुम्हारी चमक और तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके बाद चंद्रदेव की चमक हर दूसरे दिन घटने लगी। राजा दक्ष के श्राप से परेशान होकर सोम ने शिव की आराधना शुरू की। भगवान शिव ने सोम की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें दक्ष के अभिशाप से मुक्त कर दिया। श्राप से मुक्त होकर राजा सोमचंद्र के इस स्थान पर भगवान शिव के मंदिर का निर्माण कराया गया और मंदिर का नाम रखा गया सोमनाथ मंदिर। तभी से यह मंदिर पूरे भारत सहित विश्व भर में विख्यात है। दैनिक राजीव टाइम्स के पेज को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।